हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी जो खाने में बहुत ही हेल्दी है और स्वाद में बहुत ही लाजवाब है। इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे बनाइए, परोसिए और इंजॉय कीजिए। ये कटलेट इतने लाजवाब बनते हैं कि बच्चे भी बहुत चाव से इसे खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया मैंने बीटरूट कटलेट। बीटरूट कटलेट बनाने के लिए हम ले लेंगे दो बीट, दो चुकंदर ले लिए मैंने, वजन से लगभग ये 200 ग्राम के करीब है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है, धो लिया है। इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की हेल्प से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे ऐसे। दोनों चुकंदर को मैंने ग्रेट करके ले लिए है। अब हम ले लेंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा कटोरी ले लेंगे सूजी और इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम इसे भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। जिस पैन में हमने सूजी फ्राई किया था, हम फिर से वही पैन ले लेंगे और उसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच घी। घी से इस कटलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें घी यूज़ करेंगे। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ले लिया घी। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मैंने क्रश करके ले लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है, तो इसमें से आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने तीनों चीज़ों को क्रश करके ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आंच को मीडियम ही रखेंगे हम। इसको फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने बीटरूट को या चुकंदर बोलते हैं इसको, चुकंदर को हमने जो कद्दूकस करके रखा था, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। घी में फ्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि चुकंदर का भी एक पिक्युलियर टेस्ट होता है ना, वो चला जाता है। तो घी में फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसे घी में ही फ्राई करेंगे। 2 मिनट मैं बस इसे फ्राई करूँगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें। एक मिनट और फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए। देखिए हल्का सा पक गया ये। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया उसी कटोरी से मैंने ले लिया है 1 कटोरी पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैं 2 ही मसाला यूज़ करूँगी इसमें। यह है चाट मसाला 1 चम्मच। 1 चम्मच ही हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला और चाट मसाला इस टाइम पे ऐड करने से फ़ायदा है, पानी में मिक्स हो जाएगा और जब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो उसमें अच्छे से मिल जाएगा। पानी में उबाल आने देंगे हम। आंच को मीडियम ही रखना है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने सूजी भून के रखी है 1/2 कटोरी। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 2 मिनट हम इसी के साथ इसको पकाएंगे। सूजी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। 2 मिनट
हम इसे पकाएंगे अच्छे से ताकि सूजी भी इसमें अच्छे से पक जाए। देखिए सूजी को पकते हुए 2 मिनट हो गए, सूजी पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने ले लिया 2 मीडियम साइज़ के आलू, ये बॉयल हैं, बॉयल्ड आलू हैं। मैं यहाँ पे आलू और पनीर, थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ आलू या सिर्फ पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे मैश करते हुए, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें 50 ग्राम के करीब पनीर है ये। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी डाल सकते हैं, या तो सिर्फ पनीर या सिर्फ आलू। पनीर डालने से थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा ये, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मैश करते हुए हम मिला लेंगे और इसे 1 मिनट और पका लेंगे। मैंने यहाँ पे बाइंडिंग के लिए सूजी का प्रयोग किया है। आप चाहे तो इसमें बेसन भी भून के आधा कटोरी डाल सकते हैं। सूजी की जगह बेसन का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब लास्ट में हम इस बैटर में ऐड कर देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और साथ ही हम बैटर को चेक कर लेंगे कि इसमें हमारे मसाले और नमक प्रॉपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इस स्टेज पे नमक और मसाले और ऐड कर सकते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बीटरूट के मिक्सचर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि हमें इसको कटलेट का शेप देना है। तो अब मैंने ले लूँगी थोड़ा थोड़ा, और जैसा भी आप आकार देना चाहते हैं इसको, अगर राउंड बनाना चाहते हैं तो राउंड, मैं इसको आज चकोर शेप दूंगी, स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। इस तरीके से मैं इसे स्क्वायर शेप दे दूंगी। अगर हम इसे ज़्यादा ठंडा कर देंगे मिक्सर को तो शेप आकार देने में हमें दिक्कत होगी। ये देखिए इस तरीके से बन गए, इस तरीके से मैं बना लूँगी, और इस पर मैं एक काजू ऐसे डेकोरेट कर दूँगी, तो लगेगा जैसे बिल्कुल मार्केट से कटलेट लेके आए हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को अगर स्प्रिंकल कर देंगे तो उससे भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। देखिए कितना अच्छा हमारा कटलेट बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे कटलेट बना लूँगी। आपको जैसा भी आकार देना है आप वैसा आकार इसे दे सकते हैं। आप इसे किसी भी कंटेनर में या थाली में सेट करके उसे नाइफ की हेल्प से काट भी सकते हो। ये देखिए मैंने सारे बीटरूट के कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसे ऐसे ही बना के 10 से 15 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, और जब मन चाहे इसको डीप फ्राई करके या शैलो फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि मैं हेल्दी बना रही हूँ। शैलो फ्राई करने के लिए हमने ले लिया फ्राई पैन, और उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा घी। मैं घी डाल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हो। चारों तरफ अच्छे से मिला देंगे घी को। और मीडियम आंच पे हम 2 मिनट के लिए अपने कटलेट को इसमें फ्राई कर लेंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने कटलेट्स को सभी तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आंच को मीडियम ही रखना है और दोनों साइड से अच्छे से इसे फ्राई करना है। दोनों साइड से हम अच्छे से इसको सेक लेंगे। ये देखिए मैंने सभी तरफ से अच्छे से इसको सेक लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे बीटरूट कटलेट बनके तैयार हैं। ये देखने में जितने सुंदर हैं,
खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और हेल्दी भी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मेरी बीटरूट कटलेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्जॉय कुकिंग। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।